हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका एंड नेपाल ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर ली है। ठीक है, और श्रीलंका की अभी नेपाल वाली को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले श्रीलंका की कर लेते हैं। तो ये है रावणा वन जो इसकी सैटेलाइट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ सैटेलाइट्स जो हैं कुछ कंट्रियों द्वारा अभी तक एक भी लॉन्च नहीं किया गया था। कुछ कंट्रियों ने अभी तक एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था और यूएन एक प्रोजेक्ट चला रहा है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम बर्ड है, जिसके अंडर ये ऐसी कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है जो जिसने अभी तक एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है। ठीक है, तो उनको ये सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, यूएन की ये एक स्कीम चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है इवन। तो ये जो है श्रीलंका ने पहली जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है वो रावणा वन है, याद रखिएगा। शायद रावण जो माइथोलॉजी से रिलेटेड है, इनके कंट्री से ही हुआ है श्रीलंका की, तभी इन्होंने सैटेलाइट का नाम भी यही रखा होगा। और ये आपको ध्यान रखना है, ये नासा फ्लाइट फैसिलिटी ऑन वर्जीनिया वहाँ से ये छोड़ा गया है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो जापान की गई है, और कौन से इंस्टीट्यूट में इसे बनाया गया, क्योशो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पे दो श्रीलंका के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च इंजीनियर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च की और इसे डिज़ाइन किया। ठीक है, और उसके बाद ये भी आपको ये इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ये इनका फर्स्ट है। ठीक है, तो वैसा ही एक नेपाल का भी है, नेपालीज उसका नाम है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो आपके पास आती है हज की। ठीक है, हज यात्रा आपको पता होगा मुस्लिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हज यात्रा, तो इसकी क्या न्यूज़ है कि सऊदी अरेबिया ने हाइक कर दिया है कोटा इसका, कि मतलब इंडिया के लिए इसका कोटा इंक्रीज़ कर दिया है, और ये कॉन्जिक्यूटिव 3 सालों में तीसरी बार हाइक किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहले ये 1.75 था और अब इसे 2 लाख तक कर दिया गया है, मतलब अब 2 लाख लोग भारत के हज यात्रा पर जा सकते हैं। और आपको ये भी बात ध्यान रखें कि 2017 में जो हज यात्रा पे जाने वाला, इससे पहले जो प्रोसीजर ये था कि जो वुमेंस थी वो मेल कंपेनियन के साथ ही जाती थी, लेकिन 2017 में ये हटा दिया गया जो प्रोविज़न था, और ऐसा बोला गया कि वुमेन जो है वो खुद से अकेली भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखें, 2007 में ये किया गया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये सऊदी अरेबिया में ये मक्का मदीना जो है, ये जहाँ पे ये जाते हैं हज यात्रा पे, जहाँ पे ये जाते हैं, ये वन ऑफ द 5 साइट्स है। जैसे हिंदुइज़म में बोलते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा, वैसे ये 5 में से 1 मुसलमान के लिए हज यात्रा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो जैसे शहादाह, सलात, ज़कात और स्वाम। ठीक है, 4 ये हो गई और 5वीं आपकी हो गई हज यात्रा। ठीक है, और ये इनकी ये ऐसा माना जाता है, जैसे सिखिज़म में भी ना एक जो तख्त, उनमें तख्त बने हुए हैं ना, 5 तख्त बने हुए हैं, तो एक तख्त है उनमें हजूर साहिब। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, हजूर साहिब। ठीक है, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, हजूर साहिब जो कि महाराष्ट्र में है, ऐसा माना जाता है कि सिक्स को 60 ईयर्स से पहले, ठीक है, वहाँ पे दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। वैसा ही हज यात्रा के लिए मुस्लिम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इनको, मुस्लिम्स को अपनी लाइफ टाइम में एक बड़ी हज की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनका पूरा जो ये होता है प्रोसीजर होता है, जैसे 5 to 6 days से शुरू होके फिर 13 days तक ये चलता है। ठीक है, और बस यही थी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ आती है वो आती है फार्मेसी की। ठीक है, तो ये फार्मेसी की न्यूज़ ये है कि जो आपकी DTAB है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, ये मैंने पढ़ दिया है। ठीक है, और
इसने क्या किया है कि फार्मेसी को फार्मेसी जो वर्ड है, आप सबको पता है कि जब हम दवाई लेने जाते हैं तो केमिस्ट की दुकान से लेने जाते हैं, लेकिन केमिस्ट वर्ड को रिप्लेस करने की बात की गई है इसके द्वारा, DTaB के द्वारा, ठीक है। ये रिप्लेस कर देगा केमिस्ट वर्ड को किससे, ड्रगिस्ट से, या तो आप इसे ड्रगिस्ट बोलेंगे या फिर आप इसे फार्मेसी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा मानना है कि ये 1945 में वर्ड यूज़ किया गया था और फिर उसी से ये यूज़ चलता आ रहा है। जब भी दवाई लेने जाते हैं हम यही बोलते हैं कि केमिस्ट के पास जा रहे हैं मेडिसिन लेने, ठीक है। तो उससे जो है वो फार्मिस्ट का जो वर्ड है वो लॉस्ट सा हो गया था, जो इसका मतलब ओरिजिनल जो इसकी वो थी, क्या कहते हैं, प्रेजेंस थी, वो लॉस्ट हो गई थी। इसीलिए इसने ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इसका नाम चेंज करने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं खूनी वैसाखी, ठीक है। हिंदी में अगर लिखें तो, ठीक है, खूनी वैसाखी, और इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही पढ़ना है क्योंकि ये हिंदी में ही लिखा गया है, ठीक है। आप सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, और अभी उसकी 2019 में इसकी 100th एनिवर्सरी थी, ठीक है। आप सबको पता है इसके उपलक्ष में एक यहाँ पे, मतलब जब ये हुआ था जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, यहाँ पे एक लाइव, मतलब जो बच गया था वो, उनका नाम था नानक, मतलब एक हुए हैं, ठीक है। वो अभी भी सरवाइव है, मतलब वो अभी भी ज़िंदा है, ठीक है। तो इनके एक ग्रैंडसन है, ठीक है। उन्होंने ये वाली, ये खूनी वैसाखी, उन्होंने ये एक बुक लिखी है, ये आपको याद रखनी है। और इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो UAE में जो है वो इसका रिलीज़ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि खूनी वैसाखी जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। एक तो ये बुक है, ठीक है, और ये नवदीप सिंह सूरी जो ये है ना ग्रैंडसन, इनका नाम है नवदीप सिंह सूरी, तो इन्होंने जो है, जो कि ग्रैंडसन है नानक सिंह के, इन्होंने ये रिलीज़ की है। और ये जो रिलीज़ हुई है ये इंग्लिश वर्जन में हुई है UAE में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एशियन टी अलायंस, ठीक है, ये नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, फिफ्थ वन, एशियन टी अलायंस। तो इसमें क्या है, एशियन टी अलायंस में क्या है, इसमें 5 जो टी जो उगाती हैं कंट्रीज, वो प्लस जो कंज्यूम करती हैं वो कंट्रीज ने मिलके इसे मतलब मीटिंग बिठाई थी एक, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, और इनमें थे कौन कौन से कंट्रीज़ वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो पहले इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया भी उगाता है, और चाइना, फिर इंडोनेशिया, एंड देन श्रीलंका, एंड देन जापान, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड फर्स्ट कंज्यूमर, मतलब सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है भारत जो टी है उसको, सबसे ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करता है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेकंड नंबर पे है तो फर्स्ट कौन सा है, तो वो है चाइना, ठीक है। आपको याद होगा चाय बैगान टाइम, ठीक है, तो वो असम में था और उसकी वजह से वो कहते थे कि हमारा टाइम जोन जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है उसे चेंज किया जाए, ठीक है। ये भी इशू इसी के पीछे ही है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो भारत में टी बोर्ड ऑफ इंडिया है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने पार्टिसिपेट किया था इसमें, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1954 में बनाई गई थी, और टी एक्ट के अंदर, ठीक है। और जो टी एक्ट आया था वो 53 में ही आया था, और बाद में इसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया को एक स्टैट्यूटरी वो दे के, शेप दे के
बनाया गया, ठीक है, बॉडी बना दी गई। उसके बाद ये बनाई किस लिए गई, टी बोर्ड ऑफ इंडिया किस लिए है, टू प्रमोट द कल्टीवेशन, उसका कैसे कल्टीवेशन करना है, ट्रेड कैसे करना है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों लेवल पे, ठीक है। और ये किसके अंडर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये आपको मिलेगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका एशियन टी अलायंस हुआ है जिसके अंदर 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।